नोएडा सेक्टर 93A के सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी में ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवैध करार दिया जा चुका है, जिसके बाद ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां जोरों पर जारी है। वहीं अब केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने 3D ब्लास्ट डिजाइन पर मिलने वाली मंजूरी का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर ट्विन टावर में कंक्रीट का स्ट्रक्चर छोड़कर बाकी ईंट, ग्रिल, खिड़की, दरवाजे का फ्रेम निकालने के लिए तोड़फोड़ जारी है। वहां जहां टावर तोड़ने का काम करने के लिए FDIS ने 200 से ज्यादा कामगार व इंजीनियर लगाए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को FDIS की तकनीकी टीम की ओर से 3D ब्लास्ट डिजाइन का ड्राफ्ट सौंपा गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की रणनीति पर कार्य होगा। सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर लगातार FTDS की साइट पर कामगारों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। वहीं कुछ छोटी छोटी चीजों को तोड़कर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।